Assalamu alaikum everyone, I hope you would be fit and fine. So today we are going to learn about May and Might. So today is the 21st lecture of level 1. Aaj level 1 ka 21st lecture hai. Before that hum 20 lectures complete kar chuke hai. You can see in the previous videos. Aaj 21st lecture mein hum May and Might use karenge, uska use seekhenge. और सीखेंगे कि यार इंग्लिश में हम मे और माइट को किस तरह यूज़ करते हैं या जो लोग यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है. राइट, सो मे एंड माइट. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मे और माइट जो है ये मॉडल वर्ब्स हैं. मॉडल वर्ब्स कहलाए जाते हैं वो अल्फाज जिन्हें हेल्पिंग वर्ब वगैरह की ज़रूरत नहीं होती. इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में हम जब मॉडल वर्ब को डिस्कस करेंगे वी विल स्टडी अबाउट दैट. खैर, मे एंड माइट की हम बात कर रहे हैं. देखिए, मे एंड माइट यूज़ होते हैं पॉसिबिलिटीज़ के लिए. जब हम किसी भी काम की पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे ना कि यार ये कम है या बहुत कम है, जब हमारे जहन में किसी काम की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो या कम हो तो हम वहाँ मे या माइट यूज़ करते हैं. या कोई अगर हमारे सामने यूज़ कर रहा है मे या माइट तो उसका मतलब है कि इस काम की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है. जैसे मैं कहूँ कि आई माइट कम टुमारो तो मकसद ये कि इसकी तकरीबन 10 से 15% चांसेज़ हैं कि मैं कल आऊँगा. और अगर मैं कहूँ कि आई मे कम टुमारो तो 20 से 30% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं कल आऊँगा. तो माइट जब लीस्ट पॉसिबिलिटीज़ हो और मे जब लेस पॉसिबिलिटीज़ हो, यानी जब कुछ पॉसिबिलिटी हो तो हम मे यूज़ करते हैं और जब बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हो तो हम माइट यूज़ करते हैं. जैसे इट मे रेन टुमारो, हो सकता है बारिश हो, 20 से 30% चांसेस है. ठीक है, आप 35% भी कर सकते हैं. और इट माइट रेन टुमारो, शायद ही कल बारिश हो, तो 10 से 15% आप पॉसिबिलिटीज़ उसको दे सकते हैं. इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद मे या माइट, यानी वो पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर है. बहुत कम है तो आप माइट यूज़ करें, कम है तो आप मे यूज़ करें. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी एक्शन यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, जैसे आई माइट कम टुमारो, आई सब्जेक्ट आ गया, माइट आ गया और उसके बाद वर्ब आ गया कम, और टुमारो आप एडवर्ब ऑफ टाइम या ऑब्जेक्ट को भी दे सकते हैं. इसी तरह से इट मे रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो, शी माइट कॉल यू, she may call you, the boss might call the meeting today, the boss may call the meeting today, acha ji we may go to picnic or we might go to picnic, acha ji sir may give the lecture today or sir might give the lecture today, ke shayad hi sir aaj lecture de ya shayad aap sir lectures de. तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा. मैंने क्यों कहा था कि मॉडल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती. हमेशा नेगेटिव बनाने के लिए आपको किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, डू डज या इज एम आर, जो हम पिछले लेक्चर्स में कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन क्योंकि आप मॉडल वर्ब की बात करते हैं तो मॉडल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती. तो जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मे के साथ या नॉट लगा देंगे या माइट के साथ नॉट लगा देंगे. अगर माइट होगा तो उसके साथ नॉट, अगर मे होगा तो उसके साथ नॉट. जैसे आई माइट नॉट कम टुमारो, She might not call you, I might not return your money, or she might not return your dress, या it might not rain tomorrow, or it may not rain tomorrow, या the boss may not come today, the boss may not attend the meeting today, teacher may not take the class. तो मे और माइट के साथ नॉट आ जाएगा. होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी को बता देंगे कि शायद ही ऐसा हो या शायद ही ऐसा ना हो, या इट माइट हैपन और इट मे हैपन, और इट माइट नॉट हैपन और इट मे नॉट हैपन. आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ इंशाल्लाह वी विल मीट इन अदर लेक्चर. टिल देन लाफ इज़ टेकन, बाय बाय एंड हैज़ टू लव यू स्टार. थैंक यू.